डाइट मंडी में टूरिज्म ट्रेड को लेकर वोकेशनल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 5 दिनों तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ जिला परियोजना अधिकारी बलबीर भारद्वाज ने किया। इस शिविर में मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, लाहौल स्पीति, बिलासपुर तथा चंबा से 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। शिविर में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को टूरिज्म से संबंधित जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। डाइट मंडी में टूरिज्म ट्रेड को लेकर वोकेशनल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर 5 दिनों तक चलेगा। शिविर का शुभारंभ जिला परियोजना अधिकारी बलवीर भारद्वाज ने किया। इस शिविर में मंडी, कांगड़ा, शिमला, ऊना, लाहौल स्पीति, बिलासपुर तथा चंबा से 70 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों को टूरिज्म से संबंधित जानकारी मुहैया करवाई जाएगी। इस अवसर पर सेंटम कंपनी से सुरेखा और इन कंपनी से कपिल ठाकुर राजा समन्वयक मौजूद रहे। वही कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद ने स्रोत व्यक्ति के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। एनएसक्यूएफ के अंतर्गत स्कूलों में जो वोकेशनल एजुकेशन शुरू की गई है उसके लिए हमारे टीओटी का एक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो विशेष रूप से टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए किया जा रहा है। इसमें मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और कुल्लू जिलों के जो प्रतिभागी हैं वो भाग ले रहे हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा कार्यक्रम होता है जो 5 दिन चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत हम NSQF वेब पोर्टल के ऊपर चर्चा करेंगे। बच्चों को किस तरह से इम्पोर्टेंस सिखाई जाए कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है उसके ऊपर चर्चा होगी। फूड एंड बिवरेज सर्विसेज के ऊपर चर्चा होगी। इंडस्ट्री विजिट्स कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, कहाँ पे करनी है, फील्ड विजिट्स पे लेकर के ले जाने के जो वेन्यू है उनके ऊपर भी चर्चा होगी और बेसिक फंडामेंटल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज का क्या मकसद है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसके ऊपर चर्चा होगी। इसमें ये 3 बैचेस में ट्रेनिंग होगी जिसमें कि पूरे जिले जो हैं वो डाइट मंडी में ही कवर किए जाएंगे। डाइट मंडी में टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स की ही टीओटी जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस 5 दिवसीय कार्यशाला में जो आए हुए प्रतिभागी हैं वो लाभान्वित होंगे और जिसका फ़ायदा जो है वो बच्चों को जो स्कूल में वोकेशनल ट्रेनिंग वोकेशनल कोर्सेज कर रहे हैं उनको फायदा मिलेगा। जैसे कि ये विदित है कि इस कोर्स को 4 लेवल होते हैं, लेवल 1, 2, 3, 4। तो जो बच्चा 4 लेवल पास कर लेता है वो उसको जो है वो सेक्टर स्किल काउंसिल और NSDC की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो पूरे वर्ल्ड में होती है और उस सर्टिफिकेट के आधार पे जो है बच्चा जॉब लेने के हकदार हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि इस कोर्स करने के बाद बच्चे अपने पाँव पे खुद खड़े होंगे। वक्त चला छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।